है एज़ यूजुअल, तिरुपति की किसी भी जगह में आप चले जाएं और आपको भीड़ ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और यहाँ से शायद वो तिरुमला का रास्ता जाता है। देखिए ये है शायद मुख्य मंदिर, तिरुपति रेलवे स्टेशन। अगर आप बस स्टैंड से पूछेंगे तो सिर्फ 4 किलोमीटर है। हालांकि ऑटो वगैरह से आप बात करेंगे तो कम से कम 200 रुपये आपसे मांगेगा वो प्राइवेट के। तो मेरी आपको सलाह है कि आप यहाँ से बस कर सकते हैं, बस कंटिन्यू जाती है तो वो कपिल तीर्थम आपको छोड़ेगी सिर्फ 20 रुपये में। तो आप 20 रुपये में आसानी से कपिल तीर्थम पहुँच जाएंगे तिरुपति बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से। सिर्फ 4 किलोमीटर है, बहुत आसानी से पहुँच जाएंगे। और रास्ते में देखिए बस से दोस्तों सिर्फ 10 मिनट लगा मैक्सिमम कपिल तीर्थम पहुंचने में। जो कपिलेश्वर स्वामी टेंपल है तिरुपति का, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन मैंने बताया एकदम पास में है, वहाँ से सिर्फ मुझे 10 मिनट लगा और मात्र 20 रुपये बस ने लिए जहाँ मैं पहुँच गया हूँ कपिलेश्वर तीर्थधाम जो है तिरुपति में। अब यहाँ से मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे मतलब तिरुपति की वो जगह जहाँ पे कपिलेश्वर तीर्थ है वो सामने की तरफ। वो जो पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं वो पूरी तिरुमला की पहाड़ियाँ हैं जो आपको सामने पूरी दिख रही हैं। और यहाँ से शायद वो तिरुमला का रास्ता जाता है। अब हम जाने वाले हैं कपिल तीर्थ, यहाँ का बड़ा फेमस प्लेस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे वाटरफॉल है जो अक्सर आपने वीडियोज़ में देखा होगा, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कपिलेश्वर स्वामी का टेंपल है यहाँ पे जो काफ़ी फेमस है, उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। देखिए ये है वो मेन एंट्री गेट कपिलेश्वर धाम का, जो कपिलेश्वर स्वामी टेंपल है। यहाँ पे आपको बहुत भीड़ है एज़ यूजुअल, तिरुपति की किसी भी जगह में आप चले जाएँ और आपको भीड़ ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और देखिए सामने से मुझे वो नज़ारे दिखना भी शुरू हो गए हैं जिसकी मैं बात कर रहा था कि एक बड़ा खूबसूरत वाटरफॉल यहाँ पे बनता है कपिल तीर्थ में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से यदि आप देख पा रहे होंगे कि तो वो सामने की तरफ एक खूबसूरत वाटरफॉल बनता है। दोस्तों मैं एंट्री गेट के अंदर आ चुका हूँ, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पर जो शूज़ वगैरह हैं, स्लीपर्स वगैरह जो भी पहन के हैं वो रख सकते हैं। ये एक मंदिर है यहाँ पे, यहाँ की तरफ से मंदिर आए हैं और बेहतरीन गार्डन टाइप का बनाया है। ये सामने तेलुगू में कुछ लिखा है, देखने को शायद नहीं समझ में आएगा। अगर मेरा कोई तेलुगू व्यूअर्स होगा तो वो ज़रूर एक बार नहीं समझ जाएगा क्या लिखा है। अब देखिए ये मंदिर, और साउथ के मंदिर तो एज़ यूजल कमाल के होते हैं, बेहतरीन होते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरती से बनी है, कितनी कारीगरी, कितना बेहतरीन तरीके से इसको बनाया जाता है, इसकी कॉपी शायद ही कोई कर पाएगा। तो दोस्तों ये है कपिलेश्वर धाम का, कपिल तीर्थ का मेन मुख्य द्वार। यहाँ से देखिए जो लोग जा रहे हैं यहाँ से आपको प्रॉपर एंट्री करनी है, आपको ये 2 मंदिर मिलेंगे, फिर अंदर आपका जो मेन मंदिर है वो मिलेगा आपको कपिल तीर्थ। और सामने का जो खूबसूरत वाटरफॉल जो उन पहाड़ों से नीचे हुए गिरते हुए आ रहा है वो देखिए सामने की तरफ, वो खूबसूरत नज़ारा भी आपको यहीं से एंट्री करने पे ही मिलने वाला है। देखिए दोस्तों ये है वो कपिल तीर्थ जिसकी मैं बात कर रहा था, तिरुपति की बहुत फेमस जगह है, सबसे फेमस जगह में से एक मानी जाती है। ये देखिए वहाँ से इन पहाड़ियों से वो वाटरफॉल बन रहा है, पानी गिर रहा है और ये नीचे सामने की तरफ उस कुंड की तरफ आ रहा है। देखिए इतनी भीड़ है लोगों की, माई गॉड आपको बता रहा हूँ, तिरुपति में तो वैसे भी बहुत भीड़ रहती है। यहाँ से मैं आपको पूरे वो नज़ारे दिखाता हूँ। देखिए वो सामने की तरफ जो वो मंदिर है वो लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है, और वो सामने की तरफ आप देखेंगे तो वो गोपाल स्वामी टेम्पल है। हालांकि मंदिर के पास में अंदर पे उसमें कैमरा अलाउ नहीं करते फोन, तो वो हमारे कैमरेज सब बंद करवा दिए गए थे, लेकिन मैं यहाँ से आपको पूरा उसका विजुअल दिखा रहा हूँ। वो जो दोनों टेम्पल है और जो सबसे मेन टेम्पल है दोस्तों वो जो कपिलेश्वर स्वामी टेम्पल है वो ये सामने की तरफ है, वो हमारी मंदिर। और यहाँ से देखिए उसका वो रास्ता जा रहा है, शायद बंद है क्योंकि गेट बंद है, कुछ टाइमिंग वगैरह होगा उसका, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा उसका टाइमिंग क्या है।
पहले तो आप इस खूबसूरत वाटरफॉल का मजा लीजिए। दोस्तों कपिल तीर्थम के बारे में सात बार मैं आपको बताता हूँ। तिरुमला और तिरुपति, जैसा आप जानते हैं, तिरुमला जो भगवान की जो मंदिर है वो ऊपर पहाड़ियों पे, और तिरुपति जो नीचे पूरा इनसाइड है उनके नीचे की तरफ। ये दोनों में सिर्फ कपिल तीर्थम इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है। ये पूरी जगह भगवान शिव यानी महादेव को समर्पित है। कपिलेश्वर स्वामी टेम्पल महादेव का ही मंदिर है, और ये इसकी खास सबसे बात यही है कि पूरे तिरुपति और तिरुमला में यही एक ऐसी जगह है जो महादेव को समर्पित है। इसलिए भी महादेव के भक्त यहाँ आना बिल्कुल नहीं भूलते हैं जब वो तिरुपति की यात्रा पर आते हैं। देखिए दोस्तों, ये वो कपिल धारा भी कह सकते हैं कपिल तीर्थम है। तो ये जो वाटरफॉल है, अब वो सामने की तरफ वो जो आप देख रहे हैं वहाँ पर ही शायद मंदिर है, और वो गुफा में मंदिर बना हुआ है जैसा कि मुझे बताया गया है वहाँ पर। तो अगर हम वहाँ पर भी जाने वाले हैं, हालांकि इसके अंदर का शायद ही विजुअल मिलेगा क्योंकि कैमरा, मुझे नहीं लगता कैमरा या मोबाइल वहाँ रिकॉर्डिंग अलाउ की जाती होगी। तो यहाँ से मैं पूरा आपको दिखा रहा हूँ ये कपिलेश्वर स्वामी का जो मंदिर है सबसे मेन कपिल तीर्थ में, और ये पूरा ये वाटरफॉल जो गिर रहा है, देखिए ये पूरा कुंड बना हुआ है, ये पानी यहीं पर आ रहा है। हालांकि शायद पहले यहाँ नहाने देते थे, पर मुझे लगता है अभी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं। और ये जो पूरी बैरिकेटिंग आप देख पा रहे हैं, ये पूरी बैरिकेटिंग है, यहाँ से आगे आप नहीं जाएंगे। यहीं से अब जो टूरिस्ट लोग हैं, भक्त लोग हैं, वो यहीं से ही इसका आनंद लेते हैं। अभी वो टेम्पल एक्चुअली में क्लोज है, शायद भगवान की पूजा हो रही है, और उस तारीख से वो सामने देखे जो गेट है वहाँ पूरा बंद है, और सामने देखिए टेम्पल खुल रहा है। तो देखिए दो लाइन जैसा देखिए बनाया गया है सामने, एक तो ये लाइन और एक उसके बाजू से लाइन है। एक में फ्री दर्शन बोला जाता है और एक में ₹5 का टिकट है। ₹5 के टिकट में जाए बेहतर है, अगर थोड़ा सा भी आपका 10 मिनट का भी समय बच रहा है तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तिरुपति में इतनी ज़्यादा प्लेसेस है घूमने के लिए कि समय बहुत कम पड़ जाता है लोगों के लिए। यहाँ से आपको जाना है इस मंदिर की लाइन, और ये सामने की तरफ देखिए दोस्तों, उस मंदिर के वहाँ से हम दर्शन करके बाहर आए हैं, और ये पहाड़ में आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इन्हीं की गुफाओं में महादेव का वास है। यहाँ पे भी मूर्तियाँ हैं भगवान की, ये पूरा शिवलिंग और महादेव की मूर्तियाँ। मेरे सामने जो पहाड़ देख रहे हैं, इसी की गुफाओं में वो सामने महादेव का मंदिर है, बेहद खूबसूरत है। दोस्तों हम दर्शन करके आ गए यहाँ से महादेव के मंदिर से बाहर, और ये रहा वो एग्जिट, यहाँ से आपकी एग्जिट होती है। ये जो सामने की तरफ देखे वहाँ से गए, और इस खूबसूरत मंदिर के दर्शन हुए, बड़ा मज़ा आया। दोस्तों दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छा लगा महादेव के दर्शन करके इस खूबसूरत जगह पे, और बड़ा मज़ा आ रहा है दोस्तों यहाँ पे घूमने में। मैं आपसे आप सभी को रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि तिरुपति कभी भी आएँ तो कपिल तीर्थम की ये जगह देखना, यहाँ पर आना बिल्कुल मत भूलें। आप ये समझ लीजिए बहुत बड़ी जगह आप मिस कर देंगे यदि आप यहाँ नहीं आ पाए। इसलिए अपने प्लान को मैनेज करिए, देखिए कि कैसे आपको कितना समय कहाँ देना है। लेकिन यहाँ का अगर मैं बताऊँ तो कम से कम आप मान के चलिए कि 1 घंटा आप यहाँ पर निकाल के आइए, आधे से 1 घंटे में प्रॉपर आपको दर्शन होंगे, आसपास की चीज़ों को आप देख पाएंगे यहाँ पर, और इन खूबसूरत जो मेरे पीछे वाटरफॉल है उसका नज़ारा ले पाएंगे। सामने की तरफ ये खूबसूरत बहती हुई नदी बोल सकते हैं आप, वो पानी है पूरा, उसे देख पाएंगे, ये पूरे मंदिर के दर्शन। और सामने हमारे महादेव का जो गुफा में विराजमान है, ये अंदर जाके आप यहाँ पर दर्शन करके और फिर इस वाटरफॉल को देख कर आप इस जगह को कंप्लीट कर पाएंगे। बड़ा मज़ा आया दोस्तों यहाँ पे घूम के कपिल तीर्थम में। आप भी आएँ, तिरुपति आए तो इस जगह पे बिल्कुल आना ना भूलें। बहुत पास है रेलवे स्टेशन तिरुपति का और तिरुपति का बस स्टैंड, दोनों से मात्र 4 किलोमीटर, और अगर आप बस से वहाँ से आ जाएँ आसानी से ₹20 में आपको छोड़ देगा, और अगर आप ऑटो वगैरह बुक करके आएंगे तो मान के चलिए
₹200 ये यहाँ तक आने का लेते हैं। तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये कपिल तीर्थम तिरुपति में हमारा ये वीडियो। इस चैनल पे बने रहिए, तिरुपति के बहुत सारे और भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे आगे। और इसके अलावा हम रामेश्वरम भी जाने वाले हैं, वहाँ के भी वीडियोज़ और वहाँ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका शुक्रिया।